सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अर्डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रो स्टॉक्स, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके रिव्यू के बारे में। इस रिव्यू में हम चर्चा करेंगे इस कंपनी के बैकग्राउंड की, कितना खर्चा है ब्रोकरेज लेवल पे, खाता खोलने के लेवल पे, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, एक्सपोजर कैसा है, काफी मायनों पे चर्चा करेंगे ताकि आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए ये उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रो स्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। काफी नया, काफी रीसेंट डिस्काउंट ब्रोकर है। इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। ये खाता खोलने के लिए या मेंटेन करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं और ब्रोकरेज लेवल पे भी इनके पास काफी प्लान्स हैं। अगर हम बात करें इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स और डिपॉजिटरी सर्विसेज में निवेश कर पाएंगे। इसके अलावा अभी इस समय कोई निवेश के प्रोडक्ट्स नहीं है। तो उस मामले में अगर हम बाकी स्टॉक ब्रोकर्स को देखें, जो आपको 10, 12, 15 तक आपको अलग अलग ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक तरह से प्रो स्टॉक्स की लिमिटेशन है। हालांकि आने वाले समय में शायद ही म्यूचुअल फंड्स में आपको अलाउ करें, लेकिन अभी की तारीख में सिर्फ ये 4 ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको उस हिसाब से इसका चुनाव करना है कि आपको किन किन पर्टिकुलर निवेश के प्रोडक्ट्स चाहिए अपनी सुविधा के लिए। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है, जहां पे बात आती है स्पीड की, परफॉर्मेंस की, इसके यूजर एक्सपीरियंस की, टेक्निकल एनालिसिस की, बहुत तरह से मायने होते हैं। तो अभी हम पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप के बारे में। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ardistablogger.com का। तो मोबाइल ऐप प्रो स्टॉक्स की काफी लाइट वेट है, तो आपको ठीक ठाक यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। फीचर्स के लेवल पे आपको मार्केट वॉच दिया जाता है, रियल टाइम पे मार्केट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अलग अलग ट्रेंड्स के साथ आपको अवगत कराया जाता है। आप अलग अलग तरह की वॉच लिस्ट यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्स की रिपोर्ट जान सकते हैं। तो उस लेवल पे प्रो स्टॉक्स एक ठीक ठाक मोबाइल ऐप देता है। लेकिन अगर हम प्ले स्टोर पे जाएं और देखें कि ओवरऑल यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनका क्या कहना है, एग्जीक्यूशन लेवल पे प्रो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करती है, तो सिर्फ 3.3 रेट किया गया है 5 में से, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी खराब है। अभी तक हालांकि सिर्फ 26 लोगों ने इसको रिव्यू किया है, तो एक बड़ा सैंपल साइज नहीं है इस पे कोई जजमेंट लेने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा आइडिया भी लें, तो करीब 33% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से मैसेज है प्रो स्टॉक्स को कि उनको काफी एरियाज में वर्क करना है, चाहे वो स्पीड की बात हो, चाहे वो चार्टिंग एनालिसिस की बात हो, कि अगर आपको टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप से वो करना काफी मुश्किल साबित होता है। परफॉर्मेंस लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंसर्न्स जरूर है। हालांकि प्रो स्टॉक्स अपनी मोबाइल ऐप को 6, 7 या 8 हफ्तों में अपडेट करता है एक बार, जो कि उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। जनरली अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स अपनी ऐप को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। लास्ट अपडेट 1 अप्रैल 2017 को किया गया था और अभी तक इस ऐप ने सिर्फ 1 से 5 हजार अब इंस्टॉल्स देखे हैं। तो उस लेवल पे अभी काफी बड़ा रास्ता तय करना है प्रो स्टॉक्स को अपनी मोबाइल ऐप को मैच्योर बनाने में। अब बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जहां तक बात है मोबाइल ऐप की, तो हम आपको ये रेकमेंड नहीं करेंगे ट्रेडिंग के लिए। आप बाकी किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में यूसेज में आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आ सकती हैं। वापस आते हैं ardistablogger.com पे और पहले बात करते हैं इनके डेस्कटॉप बेस्ड सॉल्यूशन की। अब ये एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड करना होगा, फिर इंस्टॉल करना होगा। तो रिलेटिवली एक हैवी एप्लीकेशन होती है। ज्यादातर जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें, तो आपको अलग अलग लेवल पे टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से कुछ ना कुछ फीचर्स जरूर मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल यूजेबिलिटी में इश्यूज जरूर है। कुछ ना कुछ लेवल पे इनके फीचर्स लिमिटेड हैं। तो अभी इस ऐप को, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सॉल्यूशन को भी मैच्योरिटी देखनी है। ये सिंस एक नया स्टॉक ब्रोकर है, तो डेफिनेटली बाय टाइम ये इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इनका टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो इनका वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, जो बाकी सभी ट्रेडिंग एप्लीकेशन से बेहतर है। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं दुनिया में, जैसे अपस्टॉक्स है, जैसे फायर्स है, मोतीलाल ओसवाल है, ज़ेरोधा है टू एन एक्सटेंट। तो ये सब आपको बढ़िया ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे।
लेकिन अगर हम प्रो स्टॉक्स की बात करते हैं तो इनका जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो बाकी के इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनसे बेहतर है, लाइटवेट है, रिस्पॉन्सिव है, जिसका मतलब आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं, आपको इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो उस मायनों में, उस मामलों में ये पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है आप अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बाद अगर हम बात करें इनके प्राइसिंग की, खर्चे की, तो खाता खोलने और मेंटेन करने का कोई शुल्क नहीं है। जैसे शुरुआत में बताया गया था, ब्रोकरेज लेवल पे ये आपको अलग अलग तरह के प्लान्स देते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, निवेशक हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकरेज प्लान का चयन कर सकते हैं। जैसे इनके पास एक फ्लैट रेट 15 रुपए का प्लान है, जिसमें आपको हर पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, चाहे आप बाय करें, सेल करें, खरीदें, बेचें, आपको हर पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए 15 रुपए का ब्रोकरेज देना है। बाकी कुछ ब्रोकरेज प्लान्स हैं उसके पे भी नजर डालते हैं। तो ये ट्रेड लेवल का प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही इनका एक मंथली प्लान होता है जिसमें आपको पूरे महीने का ब्रोकरेज एक बार में दे देना है। जैसे कि 900 रुपया सब्सक्रिप्शन दे दिया आपने, और इक्विटी और डेरिवेटिव्स में आप कितनी मर्जी ट्रेड्स करें, कितने मर्जी कैपिटल के साथ ट्रेड करें, आपकी ओवरऑल ब्रोकरेज 900 रुपया जनरेट हो चुकी है। उसके अलावा ब्रोकरेज लेवल पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कुछ टैक्सेस हो सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज में आपको इक्विटी सेगमेंट में 900 रुपए की राशि देनी है। वहीं करेंसी में आपको 500 रुपए की राशि देनी है, और आप करेंसी सेगमेंट में कितनी मर्जी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। इस तरह के प्लान ज्यादातर सूट करते हैं जो हैवी ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ब्रोकरेज की काफी चिंता होती है, लेकिन अगर वो ऐसे किसी प्लान चयन कर लेते हैं तो उनको ओवरऑल ब्रोकरेज की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि इससे ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट नहीं होगी। हालांकि अगर आप लॉन्गर कमिटमेंट, एक बड़ी कमिटमेंट देने को तैयार हैं, तो आप सालाना लेवल पे इक्विटी सेगमेंट में एक बार 9000 पे दीजिए, और उसके अलावा आपको ब्रोकरेज नहीं देना है। वहीं करेंसी में भी आप 5000 रुपए की राशि देके ब्रोकरेज से छुटकारा पा सकते हैं। तो उन मामलों में ये अलग अलग प्लान्स देके आपको प्रो स्टॉक्स बढ़िया सुविधाएं प्रोवाइड करता है, और आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर के बेस पे आप किसी भी प्लान का चुनाव कर सकते हैं। बात करें ट्रांजेक्शन चार्जेस की, काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके ओवरऑल पेमेंट का हिस्सा है। कुछ लोग ब्रोकरेज देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ब्रोकरेज कम है या ज्यादा है, उसके बेस पे डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं जो कि ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करते हैं। हालांकि सेबी ने स्पेसिफिक रेट लगाए हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स इसमें कम या ज्यादा करके अपना मुनाफा देख सकते हैं। प्रो स्टॉक्स केस में हालांकि ऐसा नहीं है, आपको काफी ठीक ठाक रेट पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं, तो उस लेवल पे आपको मुश्किलें, आपको महंगाई नहीं दिखेगी। अगर हम बात करें एक्सपोजर या लेवरेज की, तो अगर इनको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आपको नहीं पता तो ये बता देते हैं कि एक तरह का ये आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है हर स्टॉक ब्रोकर द्वारा आपके ट्रेडिंग बिहेवियर और कैपिटल के बेस पे, और उसके साथ आप अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है वो उसके ऊपर भी ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। जैसे अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10000 रुपए हैं, डिलीवरी में जैसे अगर प्रो स्टॉक्स आपको 7 गुना तक एक्सपोजर देता है, जिसका मतलब आप 70000 रुपए की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे डिलीवरी के सेगमेंट में। वहीं 50000 रुपए की आप ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इंट्राडे लेवल पे। लेकिन अगर हम इन नंबर्स को देखें और ओवरऑल इंडस्ट्री के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके पे उनकी बात करें, तो ठीक ठाक से एक्सपोजर दिया जाता है, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक ब्रोकर हैं जो आपको इंट्राडे लेवल पे 30 गुना 40 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, तो उस मामले में कुछ खास वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करता है प्रो स्टॉक्स। अगर हम बात करें अब कुछ फायदों की और कुछ नुकसानों की, तो फायदों की बात करें तो ब्रोकरेज प्लान्स बढ़िया से डिजाइन किए गए हैं, रेट भी कुछ ज्यादा नहीं है, और अलग अलग तरह के निवेशकों का ध्यान रखा गया है, उनके टेस्ट के हिसाब से अपने उनको ओपनली फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने लिए किसी भी ब्रोकरेज प्लान का चयन कर सकते हैं। वहीं अकाउंट ओपनिंग फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है। तो जहां तक बात आती है पैसे की, तो उस मामले में प्रो स्टॉक्स एक ठीक ठाक स्टॉक ब्रोकर जरूर है। लेकिन अगर हम कुछ नेगेटिव्स की बात करें, तो हमने जैसे शुरुआत में देखा कि एक नया कंपनी है तो ट्रस्ट फैक्टर लाने में भी टाइम लगेगा, तो उस एरिया में इसको इवॉल्व होना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के केस में हर डिवाइस में वेब का ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है और स्पेशली जो मोबाइल ऐप है उसको भी बहुत मैच्योर होना है, इवॉल्व होना है। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स भी काफी लिमिटेड हैं, सिर्फ 4 आपको अलग अलग तरह के निवेशक प्रोडक्ट दिए जाते हैं, तो उन मामलों में भी वो अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। कस्टमर सर्विस भी एवरेज है, कुछ खास नहीं है। जहां बात आती है क्वालिटी की, कितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपको एज अ क्लाइंट कितना वैल्यू दिया जाता है, तो उन मामलों में भी प्रो स्टॉक्स कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स जरूर कर सकता है। तो ये थे अलग अलग मायने जहां पे हमने प्रो स्टॉक्स के रिव्यू के बारे में बात की। अब आपको देखना है कि प्रो स्टॉक्स आपके लिए एक ठीक ठाक स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। हालांकि अगर आप प्रो स्टॉक्स के एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक rdistroblogger.com/prostocks
ओपन डीमेट अकाउंट पे जा सकते हैं, उस पर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और हम आपकी कॉल बैक सेटअप कर देंगे। वहीं अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का चयन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के इस दूसरे लिंक aadistoblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाएं, अपनी प्रेफरेंसेस बताएं, अपनी डिटेल्स बताएं और उसके बेस पे हम आपके लिए एक या दो स्टॉक ब्रोकर्स के साथ कॉल सेटअप करेंगे। उसमें आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने कंसर्न्स बताएं और उसके हिसाब से अपने लिए डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। ये सब लिंक्स हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अडिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।